इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में जो सेकंड एशिया कप का मैच होगा, इसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यानी एक अलग ही रोमांच होता है हर बार, और इस मैच में भी दोनों टीमें मजबूत है, आपको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आपका परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। तो चलिए शुरू करते, देखिए इस मैच की जो फाइनल टीम है ये आपको मिलेगी परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। तो आपको इसे अपने मोबाइल में अभी इंस्टॉल कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिलेगा। इंडिया की जो टीम है बैटिंग से बॉलिंग से एक बैलेंस टीम आपको दिखाई देगी। आपको पाकिस्तान की टीम में शहीन शाह, अफरीदी यहाँ पर नहीं दिखेंगे, तो थोड़ी सी कमजोरी आपको उस टीम में दिखाई दे सकती है। तो चलिए हम यहाँ पर पूरा एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वेन्यू देखेंगे हम, ये मैच होगा कहाँ पे, मैच होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पे। और यहाँ का जो पिच होता है वो बैट्समैन्स और बॉलर्स को इक्वली सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग का रेशियो देखोगे तो बैट्समैन आपको थोड़े से एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाई देंगे। हम यहाँ पर एवरेज स्कोर देखते हैं फर्स्ट इनिंग का, तो आपको वो 160 का दिखाई देगा। हर इनिंग में लगभग 5 विकेट्स के आसपास यहाँ पर गिर जाती है। पेसर्स और स्पिनर्स का रेशियो देखोगे तो स्पिनर्स यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको स्पिनर्स पे ध्यान देना है इस मैच में। बाकी अगर आप यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट और चेजिंग का रिकॉर्ड देखोगे तो बैटिंग फर्स्ट टीम को यहाँ पे एडवांटेज होता है, 60% मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर जीती हुई है। अगर यहाँ पे कोई टीम बैटिंग करके बड़ा स्कोर बना देती है तो चेजिंग टीम को यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर उठाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लास्ट कुछ मैचेस देख लेते हैं जो इस वेन्यू पे खेली गई है। तो यहाँ पर FAL वुमन वर्सेस स्टार वुमन के बीच में एक मैच हुआ है रिसेंटली, जिसमें FAL वुमन ने 150 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर। उसे टॉर वुमन्स की टीम ने आसानी से चेस डाउन कर लिया था, सिर्फ 2 विकेट्स गिरी थी। तो ये जो मैच था पूरी तरीके से बैटिंग ओरिएंटेड था, आप देख सकते हो बैट्समैन को अच्छा खासा सपोर्ट इस मैच में मिला था। उससे पहले SPI वुमन वर्सेस BAE वुमन्स के बीच में एक मैच हुआ था, ये मैच वुमन्स के हो रहे हैं लेकिन हाई स्कोरिंग हो रही है, तो बैट्समैन को अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट है। और आप देख सकते हो इस मैच में BAE वुमन्स ने सीधे सीधे 182 रन बना दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और SPI वुमन ने उसे चेस डाउन भी कर लिया था, तो बड़ा स्कोर भी बना, उसे चेस डाउन भी किया गया इस मैच में। इस मैच में बैट्समैन इंपॉर्टेंट थे। उससे पहले भी एक मैच हुआ था BAE वुमन्स वर्सेस स्टार वुमन्स के बीच में, इस मैच में BAE वुमन्स ने 141 का स्कोर बनाया था 6 विकेट के नुकसान पर, टॉर वुमन्स ने उसे चेस डाउन कर लिया था। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो देखोगे तो बैटिंग और बॉलिंग आपको बैट्समैन थोड़े से स्लाइटली इंपॉर्टेंट इस मैच में दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पर दोनों टीम्स का जो बैटिंग ऑर्डर है उसे देखेंगे। देखो वेन्यू हमें कह रहा है साफ साफ कि जो इंडिया है पहले बैटिंग करे तो 200 पार भी स्कोर जा सकता है, पाकिस्तान के पास भी वो पोटेंशियल है 200 पार जाने का। तो आपको जो बैट्समैन से उनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस तो रखना ही पड़ेगा। बैटिंग ऑर्डर अब हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो देखिए यहाँ पर इंडिया की तरफ से प्रोबेबल प्लेइंग 11 में KL राहुल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, वन डाउन आएंगे विराट कोहली। अगर आप मिडल ऑर्डर देखोगे तो उसमें आपको सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या और रविंद्र जडेजा ये दिखेंगे। अगर आप बॉलिंग ऑप्शन देखोगे इंडिया की तरफ से तो हार्दिक पंड्या बॉलिंग कर लेते रविंद्र जडेजा, उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो भुवनेश्वर कुमार, यजुर्वेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह ये इंडिया की तरफ से बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। तो इस तरीके से ये इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम देख लेते हैं तो अर्शदीप सिंह, यजुर्वेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा भी आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से बैकअप देके जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बैटिंग से आपके पास यहाँ पर KL राहुल, रोहित शर्मा ये दो इंपॉर्टेंट पिक्स है। आप यहाँ पर विराट कोहली और जो सूर्य कुमार यादव, इन दोनों में से किसी एक को अपने टीम में ले सकते हो। अब हम यहाँ पे पाकिस्तान का प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है ये देख लेते। तो यहाँ पर बाबर आजम ओपन करेंगे मोहम्मद रिजवान के साथ, वन डाउन आएंगे फखर जमान। इनका जो मिडल ऑर्डर है उसमें आपको इफ्तिकार अहमद, उसके बाद आसिफ अली, खुशदिल शाह ये खेलते हुए दिखाई देंगे, और उसमें शादाब खान का भी नाम आप जोड़ लो। बॉलिंग ऑप्शंस आप देखोगे तो इसमें आपको शादाब खान, हैरिस रऊफ, उस्मान कदिर, मोहम्मद हसनैन ये आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। कुछ और से आप खुशदिल शाह भी डाल के जा सकते हैं, और अगर आप मोहम्मद वसीम या फिर शाहनवाज दाहनी, इन दोनों में से कोई एक इस मैच में खेल सकता है, तो आपको इन दोनों में से जो भी खेलेगा उसका हम आगे रिकॉर्ड देखेंगे ही। तो चलिए हम यहाँ पर अब दोनों टीम्स की जो डेथ बॉलर्स वो देख लेते हैं। उससे पहले पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखो, यहाँ पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन्हें आप छोड़ नहीं सकते, दोनों का रिसेंट फॉर्म भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। फखर जमान ये आपको हिट और मिस टाइप तरीके के बल्लेबाज है, अगर चले तो बहुत बड़ा स्कोर करके जा सकते कभी भी। बाकी शादाब खान आपको हिटिंग भी करके देंगे और बॉलिंग से भी अच्छी खासी विकेट टेकिंग एबिलिटी इनकी। और अगर आप पेसर्स देखोगे पाकिस्तान की तरफ से तो हैरिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन ये दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स से। अब हम यहाँ पर डेथ बॉलिंग देख लेते हैं। इंडिया की तरफ से डेथ में कौन बॉलिंग करेगा, तो यहाँ पर अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर
कुमार यहाँ पे इंडिया की तरफ से डेथ में बॉलिंग कराएंगे। अगर पहले इंडिया की बॉलिंग आती तो ये दोनों आपकी टीम में होने चाहिए, आप इन्हें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हो। और पाकिस्तान की तरफ से हैरिस राउफ और मोहम्मद हसनैन, ये दोनों के दोनों डेथ में बॉलिंग कराते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर वन बाय वन हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड देखेंगे। उससे पहले हमें चलना है कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर। देखिए ये परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे हर एक प्लेयर को इन डिटेल देख सकते हो उसका रिकॉर्ड, और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे हमने पहले वेन्यू देखा, उसके बाद बैटिंग ऑर्डर देखा, आप यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड देख सकते हो, यानी उस प्लेयर के स्पेसिफिक टीम के सामने रिकॉर्ड कैसे, इंडिया पाकिस्तान हेड टू हेड रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद प्लेयर हेड टू हेड, यानी वो प्लेयर एक स्पेसिफिक प्लेयर के सामने किस तरीके से बैटिंग करता है, किस तरीके से बॉलिंग करता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। चीट शीट और पावर रैंकिंग का भी फीचर है यहाँ पर। पावर रैंकिंग में यहाँ पर प्लेयर्स को अरेंज किया जाता है उनके लास्ट 10 मैचेस को एनालाइज करके, तो आपको यहाँ पर कुछ प्लेयर्स अरेंज किए हुए दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी आइडिया क्लियर हो जाता है कि किसे आपको टीम में रखना है या नहीं रखना है। यहाँ पर जो रैंक वाइज 11 प्लेयर्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद एक चीट शीट का ऑप्शन है, यहाँ पर अलग अलग बेसिस पे टॉप 5 प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिस कौन कौन से, टोटल फैंटेसी पॉइंट्स, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पार्ट ऑफ परफेक्ट लाइनअप, यानी कौन सा प्लेयर कंसिस्टेंटली यहाँ पर ड्रीम टीम में रह रहा है। उसके बाद नीचे टीम रैंक, यानी इंडिया के टॉप 5 प्लेयर कौन से, यहाँ पर आपको रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हरदीप सिंह का नाम दिखाई देगा। पाकिस्तान की तरफ से टॉप 5 प्लेयर्स, तो यहाँ पर मोहम्मद वसीम, मोहम्मद रिजवान, उसके बाद उस्मान कादिर, शादाब खान, बाबर आजम, इन प्लेयर्स का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप टॉप 5 प्लेयर्स अलग अलग बेसिस पे देख सकते हो। प्लेयर्स विद एक्सपेक्टर का भी ऑप्शन है यहाँ पर। तो एक्सपेक्टर का मतलब ये होता है कि कौन सा प्लेयर अपने दम पे मैच को पलटने का यहाँ पर दमखम रखता है, तो उसमें मोहम्मद रिजवान और रोहित शर्मा का नाम आपको दिखाई देगा। और सच में दोनों के दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं, ये अपने दम पे मैच पलट देते हैं। तो इस तरीके से आप चिट शीट का यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आना आपको परफेक्ट लाइनअप पे ही पड़ेगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिलेगा, आप इसे अपने मोबाइल में अभी इंस्टॉल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे चलते कस्टम टीम बिल्डर के ऊपर। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा, एक तरफ आपको प्लेयर्स अरेंज किए हुए दिख जाएंगे और दूसरी तरफ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होता है लॉक का और दूसरा होता है एक्सक्लूड का। लॉक आपको उन प्लेयर्स को करना है जिनका रिकॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा लगे, आपके लिए वो प्लेयर मस्ट है, यानी आप उन्हें छोड़ ही नहीं सकते, वैसे प्लेयर्स आपको लॉक करने हैं। और आपको उन प्लेयर्स को एक्सक्लूड कर देना है अपनी टीम से जो प्लेयर्स आपको लग रहा है कि हाँ यार इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इन्हें मैं छोड़ सकता हूँ, तो वैसे प्लेयर्स आपको हटा देने। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड एक मतलब स्पेसिफिक सिचुएशन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन प्लेयर्स को आपको हटाना भी नहीं है, उन्हें आपको एक्सक्लूड भी नहीं करना है, लॉक भी नहीं करना है। वे प्लेयर आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको चूज करके देगा एज पर सिचुएशन। अब हम यहाँ पर वन बाय वन हर एक प्लेयर को देखेंगे। बाबर आजम का हम यहाँ पर रिकॉर्ड देखते हैं। बाबर आजम यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस में से 8 बार ड्रीम टीम में रह चुके हैं, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों रिकॉर्ड आपको इनके काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे। खास करके चेजिंग में इनका जो फैंटेसी पॉइंट्स का एवरेज है वो 67 का है, और बैटिंग फर्स्ट में 52 फैंटेसी पॉइंट्स का इनका एवरेज है। अगर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखोगे तो आपको काफ़ी सही दिखाई देगा। आप देख सकते हो यहाँ पर इनके जो लास्ट तीनों मैचेज है इन्होंने 50 फैंटेसी पॉइंट्स के ऊपर दिए हुए हैं। तो ये जो बार ग्राफ है आपको उस प्लेयर का जो रिसेंट फॉर्म है वो दर्शाता है। अगर आप उस बार ग्राफ के ऊपर क्लिक भी करते हो तो आपको उस मैच में उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है ये आपको पता चल जाता है। तो इस मैच में इन्होंने 66 रन बनाए थे, कितने चौके मारे, कितने छक्के मारे, क्या स्ट्राइक रेट था, तो 143 का इनका स्ट्राइक रेट था इस मैच में। तो इस तरीके से आप बॉलिंग का भी देख सकते हो, फील्डिंग का भी देख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर आपको रैंक दिखाई दे रही है। तो ये प्लेइंग 22 जो प्लेयर्स होते हैं उसमें से फैंटेसी पॉइंट्स को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए इनको रैंक दी जाती है, तो हमेशा आपको इनकी रैंक अच्छी दिखाई देगी। तो ये प्लेयर आपके टीम में होना चाहिए। हम यहाँ पे इनका इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के खिलाफ इन्होंने एक ही मैच खेला जिसमें इन्होंने 100 फैंटेसी पॉइंट्स दिए हैं, तो रिकॉर्ड इनका इंडिया के खिलाफ अच्छा है। ऑन दिस वेन्यू देखोगे तो वेन्यू रिकॉर्ड आप देख सकते हो, 52 फैंटेसी पॉइंट्स, 83 फैंटेसी पॉइंट्स, 100 फैंटेसी पॉइंट्स, 110 फैंटेसी पॉइंट्स। तो इस वेन्यू पे जब भी बाबर आजम खेले तब तब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, आपके टीम में होने चाहिए, आप इन्हें कैप्टनसी भी दे सकते हो। बाय फॉर्मेट में हम इनका T20 का ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे। तो 2022 में इन्होंने टोटल 11 मैचेस खेले जिसमें 37 का इनका यहाँ पर एवरेज है, 122 का इनका यहाँ पर स्ट्राइक रेट है। तो काफ़ी बढ़िया इनका यहाँ पर एवरेज और स्ट्राइक रेट कह सकते हैं हम T20 के अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो। और ओवरऑल इन्होंने 350 भी लगा के रखी है, टोटल 507 फैंटेसी पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं। इस तरीके से आप बाय फॉर्मेट में आके हर एक प्लेयर का पूरा रिकॉर्ड जो होता है 2021, 2022, 2023 जो भी चल रहा हो उस साल का पूरा रिकॉर्ड आप यहाँ पर देख सकते हो।
देखिए हम हर एक प्लेयर का यहाँ पर अगर रिकॉर्ड देखने बैठे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको अभी अपने मोबाइल में परफेक्ट लाइनअप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इन डिटेल आप यहाँ पर सारे प्लेयर्स को देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पूरा एनालिसिस कर रखा है, उसके बेसिस पे ही एक टीम मैंने आपको यहाँ पर बना के दी है, उसे हम आगे देखेंगे ही। लेकिन आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिलेगा, नहीं तो आप सीधा सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी सर्च कर सकते हो परफेक्ट लाइनअप, आपको ये एप्लीकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर अपने नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट टीम का, जैसे आप जनरेट टीम के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टीम बना के देगा। लेकिन उससे पहले आपको रिकॉर्ड्स देख लेने हैं, उसे आपको लॉक कर लेना है, कुछ प्लेयर्स को आपको एक्सक्लूड कर देना है, तो लॉजिकल वे में आपकी टीम बनेगी। ठीक है, हम यहाँ पर जनरेट टीम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टीम हमारी यहाँ पर बन के आ गई। मैंने यहाँ पर लगभग 8 प्लेयर्स लॉक कर रखे थे, 8 नहीं, यहाँ पर लगभग मैंने ना 9 प्लेयर्स लॉक कर रखे थे, आप देख सकते हो। इनका मैंने पूरा रिकॉर्ड देखा, उसके बाद ही उन्हें लॉक किया, और ये जो 2 प्लेयर्स थे ये मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरा डेटा एनालाइज करके ही परफेक्ट लाइनअप ने चूज करके दिए है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। अब हम अपनी खुद की टीम देखेंगे जो मैंने यहाँ पर बना के रखी पूरे डेटा को एनालाइज करके। ठीक है, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मोहम्मद रिजवान रहेंगे हमारे टीम में, और बैटिंग सेक्शन में बाबर आजम, केएल राहुल और रोहित शर्मा को लिया हुआ है। देखो इंडिया की तरफ से मैंने जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर जोर दिया है, जैसे भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, यजुर्वेंद्र चहल, ये हमारे टीम में है। और अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे तो इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या को मैंने अपने टीम में रखा है। और अगर आप ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से मैंने शादाब खान को लिया है, और बॉलिंग में हैरिस राउफ को लिया है। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी का देखे तो कैप्टनसी हार्दिक पांड्या को दिए, इनफॉर्म यहाँ पर ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको कॉन्ट्रीब्यूट करके देंगे, और जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते ना एक अलग ही तरीके का जोश इनमें होता है, तो इसलिए मैंने इनको कैप्टनसी दी। वाइस कैप्टनसी बाबर आजम को दी, इनका रिकॉर्ड भी हमने देखा है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड इनका, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, जैसे आप अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार किसी एक को ड्रॉप करके सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव या ऋषभ पंत को ले सकते हो, ये दोनों प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं आपको, और इंडिया यहाँ पर मेरे ख्याल से फेवरेट रहेगी, और इंडिया को जीतना भी चाहिए मैच, क्योंकि पिछला मैच हम पाकिस्तान से हार गए थे, तो उसका बदला भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो ये जो टीम है फाइनल टीम नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझो, आपको ये जो टीम है फाइनल टीम हमारी मिलेगी परफेक्ट लाइनअप एप्लीकेशन पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे आप चेकआउट करो, नहीं तो सीधा गूगल प्ले स्टोर पे जाके भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो परफेक्ट लाइनअप, तो ये परफेक्ट लाइनअप आपको मिल जाएगा वहाँ पर भी गूगल प्ले स्टोर पे, तो आपको उसे अपने मोबाइल में सीधे सीधे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने आपको स्पेलिंग भी यहाँ पर लिख के दी हुई है। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।